जितने प्रत्याशी हैं वो मतदाता को ये कह रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका दें, मैं वार्ड का विकास करूंगा। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का। सबसे बड़ी यहां समस्या है जल जमाव की। कारण यह है कि यह निचला इलाका है और जब थोड़ी सी बारिश होती है तो कई वार्डों का पानी इस वार्ड में चला आता है। वैसे पानी तो जरूर निकल जाता है लेकिन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रंजू देवी, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका दें, मैं वार्ड का विकास करूंगा। देखिए, मैं ये जनसंपर्क में निकले हैं, मैं यहाँ कुछ मतदाता हैं, इनके समर्थक भी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है और किस प्रकार के लोगों का आप चुनाव करेंगे। देखिए मैं बात, अच्छा बताइए कि आप कैसे लोगों का चुनाव करेंगे और क्या कहेंगे आप रंजू देवी को? उनमें क्या कुछ खास है? बहुत परेशानी है उसका, वो सुधार करेगी। सुधार करेगी तो मैंने इस बार किसको आप मैंने कैसे प्रत्याशी? रंजू देवी को। रंजू देवी, अच्छा बताइए कि आप क्या कहेंगे, आप आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा का, सारे बच्चे यह सुधार देते हैं, जल जमाव है। तो इस बार कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे कि जो आपके वार्ड का विकास करें? जो शिक्षा तो जो एजुकेशन करेंगे। कौन है आप कभी, आप कितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके वार्ड में? हाँ। कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको आप मानते हैं कि वो अच्छे हैं? रंजू देवी को मानते हैं हम लोग, साथ खड़ी हैं, साथ खड़ी हैं। आप उन्हीं को जिताएंगे? हाँ। अच्छा बताइए कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप वार्ड में हर गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको अपने वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आई? रोड नाला, नाला शिक्षा के लिए बहुत बच्चा लोग को देखते हैं इधर उधर, सबको माताओं पिताओं सब बोल रहे हैं जो कि शिक्षा की यहाँ बहुत कमी है, सब जगह नाला रास्ता रोड सब ये सब सब गड़बड़ सड़बड़ है। अच्छा, अगर आपकी जीत होती है हाँ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रोड बनवाएंगे, नाला बनाएंगे। अच्छा देखिए, इन्होंने कहा कि मैं अगर जीतती हूँ तो मैं सबसे पहले रोड बनाऊंगा। भाई मैं पुरुष मतदाता पब्लिकों को, तो क्या इससे पहले पता नहीं चलता था? नहीं चलता था। क्या आता नहीं आता, उधर से उधर गया, उधर गया। अच्छा देखिए, मतदाता का स्पष्ट कहना है कि इससे पहले क्या फंड आता था, नहीं आता था, किसी प्रकार की हमें कोई जानकारी नहीं मिलती थी। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, इनके पति हैं, रंजू देवी के पति हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या कहेंगे आप? हमारे सभी मतदाताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले जहाँ तक समस्या की बात है, सबसे बड़ा समस्या हमारा हम लोग यहाँ जल जमाव का है, जल जमाव का पानी का। दूसरा समस्या मेरे यहाँ शिक्षा का है, जो कि आज के डेट में वार्ड नंबर 2 ही एक ऐसा वार्ड है जो प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगर एयरपोर्ट से निकले तो पहला वार्ड वार्ड नंबर 2 है। इस वार्ड का जो पोजिशन जहाँ हम खड़े हैं, अभी तक कच्ची सड़क पर हमारे घर के आगे में कच्चा नाला है, देख लिया जाए उसको, सीम किया जाए उसको प्लीज। तो क्या करेंगे अगर आपकी जीत होती है इस बार, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता 5 मेजी प्राथमिकता है, एक नहीं 5 प्राथमिकता है। जल निकासी, सबसे पहले नाला बना करके जल निकासी का सही जगह पर प्रबंध करना। दूसरा शिक्षा का, पूरा मजबूती के साथ समाज के साथ सरकार के साथ दोनों मिलकर करके मिडिल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज को एक जगह देना। आज के डेट में हमारे यहाँ मतलब श्रमिक एरिया है, हम भी चाहते हैं इस श्रमिक में श्रमिक का बच्चा पढ़ के लिख करके उस लाइक हो गए, कोई पुर्जा आवे, कोई लेटर लिखना हो उसका बच्चा लिखे। अगर हमारा अगला जनरेशन नहीं पढ़ पाया तो आने वाला जनरेशन पढ़े, और जिसके लिए यहाँ मेरे पूर्वजों ने मिडिल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज सभी व्यवस्था कर दिया है। अच्छा कहिए कि आपने कई चुनाव देखा, कई प्रत्याशी आपके पास आते होंगे, इस बार आपको क्या लगता है कैसे लोगों का चुनाव होना चाहिए, किसे आप वोट देंगे? इस बार उसी का होना चाहिए जो विकास करे। विकास के कड़ी में किसकी नजर है आप पर, किसे आप इस बार मत करेंगे? जो सामने खड़े हैं, नाम लीजिए ना रंजू देवी करेंगे। अच्छा कहिए, आप युवा हैं, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है और कैसे लोगों का चुनाव होना चाहिए? ऐसे हम जैसे अभी तक सभी लोगों ने कहा कि रोड का ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है, पानी वगैरह बेसी दिक्कत हो, शौचालय वगैरह है, कहीं कहीं शौचालय भी है। हम ऐसे इंसान पर ज्यादा विश्वास करते जो बोलते कम है और करते ज्यादा है, और हम ये चीज अपने रंजू देवी में देखते हैं। आज तक ऐसे लोगों को देखते हैं सिर्फ बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और ये चीज इनको रंजू देवी में साफ दिखेगा, वो बोलेगी कम करेगी ज्यादा। अच्छा आप देखिए कि सभी मतदाताओं से हमारी बात हुई, मैं मतदाता के बीच में खड़ा हूँ, सभी का यही कहना है कि ऐसे लोगों का चुनाव हो जो वार्ड समाज और जो वार्ड की समस्या है उसका विकास करे। कुछ दिनों के बाद अब मतदान होना है और उसके ठीक 2 दिन के बाद
परिणाम आना है। अब देखना यह है कि यह जो सेहरा है वो किसके सर आता है। अब जो रहते हैं वो इसी को वोट देना चाहिए। क्या कैसे लोग का चुनाव होना चाहिए? जो विकास का है उसका होना चाहिए, वोट देना है लोगों का होना चाहिए, जो विकास का काम करे। जिसको जानकारी है नहीं उसको बना देता है, उससे क्या होगा काम? विकास शब्द का, विकास जो शब्द है उसका सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन विकास होना क्या चाहिए? विकास रोड का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, सब बिजली व्यवस्था का जो कमी है सबको देखना है। तो किस प्रकार के प्रत्याशी का इस बार आप चुनाव करेंगे? जो विकास का काम करे। उस विकास के काम में बहुत मतदाता, बहुत प्रत्याशी आपके पास आते होंगे, उसमें सबसे अच्छी प्रत्याशी अभी आपको कौन लग रही है? रंजू देवी। रंजू देवी, तो मैंने उन्हें ही आप इस बार मैंने जीत का सेहरा देना चाहते हैं। देखिए ना, मतदाता ने स्पष्ट कह दिया कि रंजू देवी जो है उन्हें इस बार जीत का सेहरा पहनाऊंगी और अपने वार्ड का मैं विकास करूंगी, जैसा कि रंजू देवी ने कहा और के मतदाताओं से हमारी बात हुई। रंजू देवी जिंदाबाद, लगातार आवाज आ रही है, लगातार आवाज आ रही है। देखिए अब लगातार आवाज आ रही है कि इस बार जो है वार्ड नंबर 2 के जो प्रत्याशी है रंजू देवी, उन्हें हम लोग जिताएंगे। अब कुछ दिनों के बाद मतदान होगा और परिणाम भी आएंगे। अब देखना यह है कि अब देखिए ये युवा है, मैं इनसे ही बात करता हूँ कि आखिर आप क्या कहेंगे, जो आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है और कैसे लोगों का चुनाव होना चाहिए? इस माध्यम से वार्ड नंबर 2 के जनता को हम यही संबोधित करना चाहते हैं कि ये जो वार्ड पार्षद का जो पद है, ये जितना छोटा दिखता है ये उतना ही गहीर है। तो इस माध्यम का हमको किसको बैठाना है और क्यों बैठाना है, ये दोनों कारण हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है कि आज यदि बिकोगे तो 5 साल बेचे जाओगे, याद रखिएगा। जिसको भी आप चुन रहे हैं, यदि आज आप बिक के चुन रहे हैं तो अगले 5 साल आप बेचे जाओगे। चुने जो आपको सरकार से जनता को जोड़ पाए। हमारे यहाँ रंजू देवी, हमें लगता है कि ये हमें सरकार तक जोड़ेगी। सरकार का योजना जो इनके पास आएगा उनसे हमें सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आप भी कहीं भी हो वार्ड नंबर 2 में, चाहे वो छट्टी पोकर हो, चाहे वो नवटोलिया हो, चाहे वो ढालुक टोली हो, लेकिन चुनने से पहले और बटन दबाने से पहले जरूर एक बार सोचे। क्योंकि इस 5 साल में एक बार ऐसा समय जरूर आएगा जब वहां आपको मालिक कह के नहीं जाना पड़े और पाव ना पकड़ना पड़े। आपके अंदर ये चीज जरूर रहना चाहिए कि हाँ, हम जो चुने हैं तो सोचे हैं और सोचे हैं तो ठीक सोचे हैं। हर हर महादेव। देखिए कि इस बार जो चुनाव होगा वो अच्छे लोगों का चुनाव होगा और प्रत्याशी को भी इन लोगों ने चुन लिया है कि इस बार रंजू देवी को ही जिताना है। अब कुछ दिनों के बाद मतदान होंगे और परिणाम भी आने वाला है। अब देखना यह है कि सेहरा किसके सर जाता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक खास रिपोर्ट।